चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। जस्टिस वीडियो में बात करने वाले हैं सत्र 2022 और 23 की मुख्य परीक्षा 2023 संस्थागत एवं व्यक्तिगत भूतपूर्व छात्र परीक्षा एकल विषय श्रेणी उन्नयन परीक्षाएं व बैक पेपर परीक्षा 2022 की परीक्षाओं वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। आपको बता दूं कि 20 फरवरी 2023 को डेट शीट जारी की गई थी, जिसमें कि यहां पर 15 मार्च 2023 से एग्ज़ाम शुरू होना बताया गया है। लेकिन इस डेट शीट में कई कोड सब्जेक्ट कोड ऐसे हैं जो नहीं दिए गए हैं और कुछ एरर भी है। वो सभी छात्रों ने यहाँ पर गौर करके इस डेट शीट को जो है अच्छे तरीके से देखा है, और उसमें जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर नहीं है, साथ में एक फाउंडेशन क्वालिफाइंग के सेम डेट में पेपर दिए गए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर कई एरर इस डेट शीट में मिलने को आ रहे हैं, तो देखने में कई एरर आए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर जो है ये डेट शीट संभावित डेट शीट जारी की गई है। और ऊपर साफ साफ लिखा है कि इसे अच्छे से जो है यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं और सभी कॉलेज जो है अच्छे से रीड कर ले, कहीं इसमें कोई भी एरर है, त्रुटि वंश कुछ भी छूट गया है, तो इसमें दोबारा से संशोधित डेट शीट जारी की जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि कोई संशोधन वांछनीय हो तो परीक्षा विभाग को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा जा सके। तो जैसे कि छात्र छात्राएं हमें कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, और हमारी वीडियो के कमेंट जो है हमारी वीडियो पर भी कमेंट कर रहे हैं कि बीएससी सेकंड ईयर के इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर नहीं है, तो यहां पर जो है इस डेट शीट में संशोधन करना लाजमी है। तो आप बेनिश्चित रहिए, जो भी इसमें एरर है वो हमें कमेंट में बताइए, और साथ में जो है डेट शीट जल्द से जल्द संशोधित डेट शीट जारी की जाएगी, उसके साथ में या तो इस डेट शीट में संशोधन किया जाएगा या फिर जिस सब्जेक्ट कोड नहीं है, जो भी सब्जेक्ट पेपर कोड नहीं है, उनको सबसे लास्ट में डेट शीट के सबसे लास्ट में रख दिया जाएगा, यानी कि जो लास्ट डेट जो डेट शीट की है उसके बाद उन एग्ज़ाम को रख दिया जाएगा, या फिर इसी डेट शीट में संशोधन करके रिवाइज्ड डेट शीट जारी की जाएगी। तो जैसे ही रिवाइज डेट शीट जारी की जाती है या कोई भी संशोधन होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सूचित कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।